ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भगवत गीता मा हिसाबरे सबु किछि आमको प्रदान करिथाय। वेद माता जे कि सहस्र माता भली जे भली आम मानक दैनंदिन जीवन रे आमर मा जदि मार चारोटी पिला थांति प्रत्येक पिलांकर कथा बुझिया पई चेष्टा करिथाय। ठीक से भली वेद माता एठारे गीता सहस्र माता भली आमर जो प्रकार चिंताधारा बा आम जहा किछि जानिया पई चाहि थाउ बा दैनंदिन जीवन रे जो प्रकार आम समस्या र सम्मुखीन होई थाउ जो परिस्थिति को नहीं सबुर समाधान ही गीता देई थाए। एठारे जेतेबेले गीता को आमे पढ़िया पाई इच्छा प्रकाश करू गीता हेउछि मोक्ष शास्त्र एहा मुक्ति देई थाए एहा आनंद देई थाए एहा शांति देई थाए। जेउ व्यक्ति गीता पाठ करंती से तांका जीवन रे मुक्ति आनंद वा शांति पाइथांत। आपण को मन रे हुए त प्रश्न आसी पारे आज्ञा मु प्रतिदिन गीता पाठ करूछ किंतु मो जीवन रे शांति नाही मो जीवन रे आनंद नाही छाड़ंतु मुक्ति कथा मु किभरि आपण को ग्रहण करी। मोर गोटे गप मने पड़े भगवान बुद्ध जेतेबेले गाँ गाँ बुली प्रचार करूथिले से सबबेले गोटे कथा कहूथिले जे जीवन रे प्रत्येक व्यक्ति शांति पाई पारिबे एभली कौनसी व्यक्ति नहांती जे कि शांति पाई पारिबे नाही। एहा थिला बुद्धंकर महतवाणी प्रत्येक जगह ही सही कथा कहती प्रत्येक व्यक्ति शांति पाई पारे किंतु कौनसी व्यक्ति सेते शांति पाऊ नथिले। जणे युवक से गाँव आसी पचारे हे भगवान बुद्ध आमे सबुबेले शुणुछु आपणकर बाणी आपण कहुचंति जे समस्ते शांति पाई पारिबे किंतु आमे पाऊ ना आमे किभली केऊ हिसाब रे आपण कथा को ग्रहण करिबे। भगवान बुद्ध किछि उत्तर दे नथिले किछि समय मौन रही सही युवक जने को कहिदिले बाबूरे तुम्हें पाख गाँ को जाओ गोटे कागज एवं कलम नहीं जाओ। जेतेबेले कागज कलम नेउछ प्रत्येक लोक को जाई पचार जे तुम्हें जीवन में कौन चाहूछ कौन करिबो ना से लोकर ना को बाँ कर लिखिबो डाहाण कर रे कौन से लोकटी चाहूछ ताकु लेखि लियो एवं परे मो पाख को फेरी आस। से व्यक्ति जनक गाँ को बोले युवक जो जा समस्त को भेटी समस्त ना लेखि डाहाण कर रे लेखि चलिए कौन से व्यक्ति जन कौन चाहूछ। परिशेषे जेतेबेले से बड़ चिठाटी को धरी फेरी आसिले बुद्ध को पाख बहुत लोक उपस्थित थे बुद्ध पचारे कौन बाबू तुम काम सारिकी फेरी आसिल ना हाँ आज्ञा ना कौन तुम्हें पाइल जो चिठा प्रस्तुत कर चिठा कौन सब अच्छे
ना आज्ञा, लोक मैंने चाहूँ कौन, किए चाहूँ प्रमोशन, किए चाहूँ मो झी बाहा, किए चाहूँ पुओ बाहा, किए चाहूँ घर कर, किए चाहूँ रोगमुक्ति, किए चाहूँ अलवा कौन ना। अच्छा ना मत कह तुम लिस्ट भितर तुम चिठा मध्य केतेज व्यक्ति शांति पाइबापी इच्छा प्रकाश कर। प्रत्येक व्यक्ति आम कौन चाहे को इच्छा कर, मोर प्रमोशन, मोर घर, मोर बहा, मोर पा हवा इत्यादि इत्यादि। जदि मु शांति पाइबापी मोर इच्छा ना, मु शांति पाइबा किप, से समय बुद्ध कही केबे कही ना जे प्रत्येक व्यक्ति शांति चाहती बोली, किंतु मु कही प्रत्येक व्यक्ति शांति पाइपर। किंतु जत व्यक्ति जनक चाहिए जे मु मो जीवन रे शांति चाहे, आ से चिंतार जत मुख्य हो निश्चित भाव से व्यक्ति जीवन ही शांति पाइब। ठीक से जदि आम भगवत गीता को वेदमाता हिसाब से ग्रहण करी, जदि शांति आनंद बा मुक्ति सब एक जिनस हिसाब से लक्ष्य करवा, निश्चित भाव आम जीवन ही उन्नति हम। आसत देखा भगवत गीतार प्रथम श्लोक, आपण मैने अल्प बा बहुत भाव जानी थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युश्चव नाम कह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अति सुंदर आप जानते यह हूँ पूर्वाभास जे धृतराष्ट्र जे हूँ राजा, केवल राजा नुहति से हूँ अंध, अंध व्यक्ति हूँ राजा। जदि जड़े अंध व्यक्ति नेता हूँ राज्यर मुख्य हूँ अवस्था कौन हम, ता श्लोक प्रतिपादित होती। देखु से कही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जो क्षेत्र कुरुवंशर क्षेत्र जहाँ मध्य धर्म क्षेत्र अनेक धर्म कार्य मध्य से ही क्षेत्र रे करा जाय छ। कौन है छी? ना ए धर्म क्षेत्र रे समस्ते एकजुट हो छथि। काहे कि से माने एकजुट हो छथि? युश्चवः योद्धुम इच्छावः, युद्ध करिबा पाए। अन्य कौनसी अर्थ रे से माने एकजुट होई नाहंती, युद्ध करिबा उद्देश्य रे। कौन है कहीं को माने से माने मामका पांडवाश्चैव, जो माने मोर रक्त रु जात, मामका मोर, तो अन्य माने किए से ना पांडवा, जो माने पांडव रक्त रु बा पंडु रक्त रु जात। किम अक्रुवत संजय, से माने कौन कले? जदि आम लक्ष्य करिबा ए श्लोकर जहाँ किसी प्रतिपादित होमें कही राजनीति एउठी स्टार्ट कौन ना मो पार्टी विरोधी दल, मो दल विरोधी दल। जेतेबेले जने सरकार को आसुचे, यदि वास्तव में लक्ष्य करिबा जे कोनसी व्यक्ति सरकार को आसुचंती सेमानंकर निज दल विरोधी दल बोली किछि रहिबा अनुचित। काहेकि ना जदि जने घरर मुख्य जदि कहिबो मो पुओ अन्य मानक पुओ, दयाकरी चिंता करंतु निज घर कथा। आपण मने करंतु चारि भाई अछंती, चारि भाईर जे जने बड़ भाई तांकु घरर मुरेबी करहाइछ, से मुरेबी हिसाब से सब कार्य करुछंती। से यदि कहिबे मो पिला माने अन्य माने, से घर केबे एकाठी रही पारिबो कि?
मुरबी आखि आगे कौन प्रत्येक पिला हूँ क्या पिला मो पिला अन्य अर्थ कह आम पिला से केवल ग्रहण करती जे मो रक्त जो माने जात से माने मोर पिला जो माने मोर भाई रक्त जात से माने मोर नुहत से माने सब कौन कही था आम पिला। ठीक से भली जड़े राज्यर मुख्य राष्ट्रर मुख्य से कौन चिंता करिया उचित जे समस्ते हो कौन आमर नुहे जे आम दल तम दल अन्य अर्थ कह विरोधी दल आरंभ होता भगवद गीतार देखु माम का पांडवाश्चैव जो धृतराष्ट्र राजा थे से कही नहीं से थे अंध राजा ज्ञानी राजा ना से हूँ अंधतार परिणति अज्ञानतार परिणति से अज्ञानता जो से कौन कही ना माम का पांडवाश्चैव मोर पुओ एवं पंडुर पुओ जेतेबले ए भली चिंताधारा नहीं जने मत व्यक्त करी थाए जे मोर एवं अन्य माने तार्थ कौन से व्यक्ति जने राज्यर बा राष्ट्रर मुख्य हवा पाई अनुपयुक्त आउ से व्यक्ति सबुले कौन ना दोदुल्यमान अवस्था दे गति करथिले सेते मार करथिबे आपण नो पॉलिटिशियंस आर सिक्योर सबुले कौन कहती ना दोदुल्यमान अवस्था दे गति करोपाई ना मु मोर नीति सकाश जहाँ भगवत गीतार प्रतिपादित होती प्रथम श्लोक माम का पांडवा चैव तेणु जदि मु चाहूँ घर मुख्य हाँपाई जदि मु चाहूँ गोटे अर्गानाइजेसन मुख्य हाँपाई जदि मु चाहूँ राज्यर बा राष्ट्रर मुख्य हाँपाई मो आखि आगे कौन जो माने घरे अच्छा समस्ते मोर जो माने ऑर्गेनाइजेशन अच्छा समस्ते मोर बा जो माने राज्य राष्ट्र अच्छा समस्ते हवा मोर उचित जदि मु पातरंतर नीति आरंभ करे केबे हेले मो जीवन मु शांति पाई पारिबी नाही ताहा थिला धृतराष्ट्रंकर जीवन तेणु जेतेबेले पॉलिटिशियंस सिक्योर नुहंती से माने आम को भल शासन बा किपर देवे केवल पॉलिटिशियन नुहंती जेकोसी व्यक्ति जदि मु मो जीवन रे इनसिक्योर मु जदि निज को असहाय मन करे मु अन्य मानकु किभली बा केउ उपाय रे सहाय प्रदान करी या हेउची धृतराष्ट्रंकर चिंताधारा जहाँ तांकर कथा माध्यम रे परिप्रकाश पाई माम कहा पांडवाश्चैव जदि जने व्यक्ति जीवन रे मोर मोर चित्कार करी चली थी से व्यक्ति जीवन रे दुख ही पाइब कि भले देखंतु ग्रीस रा राजा अलेक्जेंडर महाप्रतापी तांक पाखरे कौन नथिला बोली कहिया मध्य अनुचित सब किछि तांक पाखरे थिला किंतु जीवन रे से केबे हेले आनंद पाई पारना शांति पाई पारना से गोटे जिनिस अन्वेषण बुलुथिले हठात दिने चिंता कले जे मु देखिबी ए दुनिया रे किए से शांति रे अछन कारण लोक मानकर चिंताधारा कौन ना जदि मोर पुअर बहार हो गला झीर बहार हो गला चाकरी प्रमोशन हो गला घर हो गला ए जिनिस गुड़िकर जदि पूरण हो गला ताले मु जीवन कौन पाइबि शांति पाइबि। ठीक से भली अलेक्जेंडर चिंता करथिले एवं राज्य पर राज्य जय करिवारे लागथिले किंतु परिशेषरे से अनुभव कले कौन ना शांति ना दिन हटात जाउछन्ति ग्रीस रे जने व्यक्ति को देखिले अनुभव कले जे व्यक्ति जन के बहुत खुशी अछन्ति बहुत आनंद लाभ करछन् पचारिले कौन तुम्हें प्रकृति रे आनंद अनुभव करुछ कि
ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କେବଳ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବାର କୌଶଳକୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ନା ଆଚ୍ଛା, ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ଆନନ୍ଦିତ କରାଇ ପାରିବେ? ନା, ହଁ, ତାର ଯେଉଁ କୌଶଳ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସମୟରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି ଭାରତ ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତକୁ ଜୟ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ଗନ୍ତାଘର ଯେଉଁ ଚାବି କାଠିଟାକୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଦେଇଦେବେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହସିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଗପ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଏହା ଗପ ନୁହେଁ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଜୟ କରିଥିଲେ। ଫେରିଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା, ସେ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରିଥିଲେ ନିଜର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ଯେତେ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ପରିଶେଷରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କର ଅଧବାଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ଏହା ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ କରିବା। ଇଂରାଜୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି, ପୋଷ୍ଟପୋନମେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଲୋକ ଭେଟିଲା ବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟପୋନମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରିପୋନମେଣ୍ଟ, ଏ ଶବ୍ଦ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଶବ୍ଦ, ଭାରତର ଶବ୍ଦ। କାରଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ କ'ଣ, ଜିନିଷକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରେ କରିଦେବି, କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଯେ ଆପଣ ପରେ କରିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ନକରି ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ପଛକୁ ରଖି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁଃଖମୟ ହେବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍, ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ୍, ଡାକବାଲା। କ'ଣ ସେ କରେ ନା, ପ୍ରତିଦିନ ଡାକ ଆସେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ କରେ ସେ ଲୋକ ନା, ଘର ଘର ବୁଲି ଡାକ ଦେଇ ଚାଲେ। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ଚିନ୍ତା କରିବ କାହିଁକି ମୁଁ ସବୁଦିନେ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଡାକ ଦେବି, ଦୁଇ ଚାରି ଦିନକେ ଥରେ ଡାକ ରଖିନେବି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା ବାଣ୍ଟିବି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ପରେ। ସେ ଲୋକ ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୋଇପାରିବ କି? କେବେ ଶୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଖନିଦ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଡାକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ବାଣ୍ଟିଦେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା କରିନେବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇପାରିବ।